छत्तीसगढ़ राज्य में धान की खेती किसानों की पहली पसंद है, इसलिए यहाँ धान की कुल पैदावार और क्षेत्र दोनों ही रिकॉर्ड स्तर पर हैं। देश के कुल धान उत्पादन में अहम योगदान के लिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। परंतु हाल के वर्षों में सिंचाई के लिए पानी के बढ़ते संकट और खेती की बढ़ती लागत के कारण किसानों की आमदनी निरंतर घट रही है। इसलिए केंद्र की किसान हितैषी सरकार द्वारा धान के क्षेत्र को कम करते हुए मक्का की खेती अपनाने को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए फसलों के विविधीकरण पर जोर दिया है। भारत सरकार की अत्यंत प्रभावी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य को अतिरिक्त मक्का उत्पादन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई। वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ को 50 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की गई, जिसका लाभ उठाते हुए राज्य में एक व्यापक और सफल ग्रीष्मकालीन मक्का उत्पादन कार्यक्रम चलाया गया। इसके अंतर्गत राज्य के 65,000 हेक्टेयर क्षेत्र में मक्का की उन्नत खेती के प्रदर्शन आयोजित किए गए। लगभग 41.83 करोड़ रुपए के खर्च से संचालित इन प्रदर्शनों ने किसानों को मक्का की खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। भारत सरकार ने धान के परंपरागत क्षेत्र में मक्का की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए मक्का से इथेनॉल उत्पादन को स्वीकृति दी है। जिला बलरामपुर रामानुजगंज ग्राम भैंसा मुंडा के युवा किसान शिवदत्त सिंह ने इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी आमदनी बढ़ाई है। पहले मैं धान का खेती करता था, उसके बाद मैं मक्का की खेती शुरुआत किया, जिसमें एक एकड़ में 21 क्विंटल मेरा हुआ और 22,000 का प्रॉफिट मिला। तो मुझे मक्का का खेती का अनुभव नहीं था। बाद में मुझे कृषि अधिकारी मिले और उन्नत किस्म का खेती मक्का का कैसे किया जाता है उसके बारे में बताया और उनके अनुसार मैं खेती किया। तो मुझे एक एकड़ में 28 क्विंटल मिला, जिसमें मेरा 35,000 का इनकम हुआ, जिससे मुझे बाल बच्चा का भरण पोषण करने में अच्छा मदद मिली। छत्तीसगढ़ राज्य में धान की जगह मक्का की खेती से विविधीकरण किसानों के लिए लाभदायक सिद्ध हो रहा है। किसान भाई बड़ी संख्या में इसे अपना रहे हैं। आमदनी बढ़ने से वे समृद्धि की ओर अग्रसर हैं। मक्का के सुनहरे भुट्टे खुशहाली की मुस्कान बिखेर रहे हैं।